की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन जब से बंद हुई है, लगातार मुंबई की सड़कों पर बीएसटी की जो बसेस हैं वो काम कर रही हैं और इन बसेस को चलाते हैं ये ड्राइवर्स और कंडक्टर, जो एक कोरोना वॉरियर की तरह लगातार इस कोरोना के दौरान काम कर रहे हैं। ऐसे में इनके हौसले को बढ़ाने के लिए लगातार जो मुंबई के कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, टाइम्स जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, वो इनको फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। प्रिकॉशन रखना पड़ता है थोड़ा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, जो गवर्नमेंट ने रूल दिया है वो हिसाब से आदमी लेने का, ज़्यादा भीड़ नहीं करने का। नहीं नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रख के काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, डर मतलब ये कि अपना मन का ही डर निकल दिए, इसके वजह से अपना ये कोरोना का डर ऐसा खत्म हो गया। गया साल में डर था बहुत सारा, अभी ऐसा डर नहीं लगता है। हर रोज वही वही बात सुन सुन के ना वो डर निकल गए। काम करा, बिंदास काम करा, हम लोगों को सेवा दे रहे हैं और देते रहेगा। बीएसटी बसेस के जो टीम मेंबर्स है, ड्राइवर्स कंडक्टर, लगातार काम कर रहे और ये कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट करने के लिए मुंबई के जो स्टूडेंट्स ग्रुप हैं वो उनको वो जो ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं वो मुहैया करवा रहे हैं, ताकि इसी तरह उनका हौसला बुलंद रहे और लोगों को सुविधाएं देते रहे। मुंबई के टाइम्स होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ग्रुप जो बीएसटी बसेस के ड्राइवर कंडक्टर हैं, उन कोरोना वॉरियर्स को जो है मजबूती देने के लिए लगातार सड़कों पर उतरकर प्रोत्साहन दे रहा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करवा रहा है। मेरे साथ यतीन हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि कितने लोगों तक आप लोग ये फूड पैकेट्स पहुँचा रहे हैं और क्या ये पैकेट्स कैसे अवेलेबल करवाए आप लोगों ने? वेल, हम ITM कॉलेज होटल मैनेजमेंट के ओर से आए हैं और मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ, और काफ़ी स्टूडेंट्स जो साथ में आके उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ऐसे सोचा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प मिलती है, बट बीएसटी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं वो भी तो फ्रंट लाइनर्स हैं, वो भी अपने कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी लाइफ रिस्क में डाल के हमें सेवा देते हैं, बस में आके हमें ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, तो उनके लिए कोई सोचता नहीं। ऐसे हमें और हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे थॉट आया और इसलिए हमने कॉलेज बंद था फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी चीज़ें दिमाग में रखते हुए हर एक फ्लोर पे 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के किचन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल की, जिसके अंदर स्मॉल पिज़्ज़ा है, जिसके अंदर समोसा है फ्रेश, जिसके अंदर फ्रेश केक है, पानी की बॉटलें हैं, और ये पैकेट्स है हमने कॉलेज से ही बनवा के अवेलेबल की। आज के ज़माने में डॉक्टर्स है, पुलिस वाले, ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज होते हैं, लोगों को लगता है ये लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, जबकि ये लोग भी उतना ही हार्डवर्क करते हैं। अगर इनकेस अगर कभी उनके प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह बंद हो जाते तो ये लोग ही उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, बट इनको लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, बस इसलिए हम बाहर आए इनको सपोर्ट करने के लिए। ITM के स्टूडेंट्स ने ही ये जो फूड पैकेट्स हैं वो बनाया है, इनमें जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनके द्वारा बनाई गई है, और ये बनाए हुए पैकेट्स को, सुरक्षित और साफ़ सुथरे पैकेट्स को जो हमारे फ्रंट लाइनर हैं, जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं, उन तक पहुंचाया जा रहा है और लगातार ये काम इनकी टीम की तरफ से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ नम्रता दुबे, इंडिया TV, मुंबई।